पन्ना टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट से लापता कॉलर आईडी लगे हुए हीरा नाम के बाघ का शव सतना जिले के अमदरी गांव में मिला। वन विभाग के कॉलर आईडी भी बाघ के शिकार को नहीं बचा पा रही है। शव करीब एक पखवाड़ा पूर्व का है। सिंहपुर वन रेंज के अमदरी इलाके में बाघ की मौत करंट लगने से हुई। किसान के खेत में फैले बिजली के तार में फंसकर हीरा नाम के बाघ की मौत हुई थी। मौत के बाद किसान राम प्रकाश ने हीरा के शव से स्थानीय लोगों की मदद से खाल निकाल ली थी और शरीर के अन्य हिस्से को तालाब में फेंक दिया था और तालाब के किनारे ही हीरा के गर्दन में लगी कॉलर आईडी फेंकी थी। आज सुबह कुछ ग्रामीणों ने बाघ के क्षत विक्षत शव को देखा और वन अमले को जानकारी दी। वन अमला मौके पर पहुंचकर शव की जांच पड़ताल कर रहा है और ग्रामीणों से पूछताछ कर रहा है। हीरा पन्ना रिजर्व का प्रसिद्ध बाघ था जो करीब 23 माह का था, जो 23 जुलाई से पन्ना रिजर्व से लापता था। इसका छोटा भाई पन्ना है। हीरा पन्ना की जोड़ी प्रसिद्ध थी जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र थी। ये जोड़ी अब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ चुकी है। मामला है, यहाँ पे बाघ का शिकार हुआ है। हाँ, मतलब प्राइमर फैसी तो दिख रहा है कि इलेक्ट्रोक्यूशन है, बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, डिटेल आएगा उसके बाद। जी, जानकारों की माने तो ये पन्ना का बाघ है, जो है हीरा बाघ बताया जा रहा है। कॉलर आईडी वगैरह मिली है। कितने आरोपी सर पकड़े गए हैं अभी? तो मतलब शंका के आधार पर पकड़े हैं 3 लोगों को, और बाकी नाम जो आते हैं बाकी क्या कहानी बताते हैं। इन्वेस्टिगेशन जब फील्ड के दूसरे उससे जब मिलान करेंगे तब एग्जैक्ट पता चल पाएगा। सर किस अवस्था में मिला है बाघ का जो शव? ये तो तालाब के अंदर मिला है। कितना दिन पूरा है ना समझ में आ रहा है सर? लगभग उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट्स के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। जी सर, थैंक यू। नाम सर? मैं AK सिंह, CCF रेलवे। थैंक यू सर। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सतना से फिरोज बागी की रिपोर्ट। पन्ना टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट से लापता कॉलर आईडी लगे हुए हीरा नाम के बाघ का शव सतना जिले के अमदरी गांव में मिला। वन विभाग के कॉलर आईडी भी बाघ के शिकार को नहीं बचा पा रही है। शव करीब एक पखवाड़ा पूर्व का है। सिंहपुर वन रेंज के अमदरी इलाके में बाघ की मौत करंट लगने से हुई। किसान के खेत में फैले बिजली के तार में फंसकर हीरा नाम के बाघ की मौत हुई थी। मौत के बाद किसान राम प्रकाश ने हीरा के शव से स्थानीय लोगों की मदद से खाल निकाल ली थी और शरीर के अन्य हिस्से को तालाब में फेंक दिया था और तालाब के किनारे ही हीरा के गर्दन में लगी कॉलर आईडी फेंकी थी। आज सुबह कुछ ग्रामीणों ने बाघ के क्षत विक्षत शव को देखा और वन अमले को जानकारी दी। वन अमला मौके पर पहुंचकर शव की जांच पड़ताल कर रहा है और ग्रामीणों से पूछताछ कर रहा है। हीरा पन्ना रिजर्व का प्रसिद्ध बाघ था जो करीब 23 माह का था, जो 23 जुलाई से पन्ना रिजर्व से लापता था। इसका छोटा भाई पन्ना है। हीरा पन्ना की जोड़ी प्रसिद्ध थी जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र थी। ये जोड़ी अब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ चुकी है। मामला है, यहाँ पे बाघ का शिकार हुआ है। हाँ, मतलब प्राइमर फैसी तो दिख रहा है कि इलेक्ट्रोक्यूशन है, बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, डिटेल आएगा उसके बाद। जी, जानकारों की माने तो ये पन्ना का बाघ है, जो है हीरा बाघ बताया जा रहा है। कॉलर आईडी वगैरह मिली है। कितने आरोपी सर पकड़े गए हैं अभी? तो मतलब शंका के आधार पर पकड़े हैं 3 लोगों को, और बाकी नाम जो आते हैं बाकी क्या कहानी बताते हैं। इन्वेस्टिगेशन जब फील्ड के दूसरे उससे जब मिलान करेंगे तब एग्जैक्ट पता चल पाएगा। सर किस अवस्था में मिला है बाघ का जो शव? ये तो तालाब के अंदर मिला है। कितना दिन पूरा है ना समझ में आ रहा है सर? लगभग उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट्स के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। जी सर, थैंक यू। नाम सर? मैं AK सिंह, CCF रेलवे। थैंक यू सर। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सतना से फिरोज बागी की रिपोर्ट।